हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल अंजिता अड्डा। और आज हम लाए हैं कंस्ट्रक्शन अपडेट 14th एवेन्यू गॉड सिटी 2 इन फरवरी 2024। सो गाइस, अभी हम खड़े हैं क्यू टावर के पास में, जो कि एरिया है आपका स्विमिंग पूल वाला। तो आप इधर से देख सकते हैं, पहले यहाँ पे जो था कंस्ट्रक्शन काफ़ी दिख रहा था, अभी थोड़ा सा यहाँ पे नीटनेस लाई गई है। और ये है हमारा स्विमिंग पूल का एरिया, और जस्ट इसके बगल में इस तरह से ये पाम ट्री लगवाए गए हैं, नॉट ट्री, प्लांट कह सकते हैं हम। ओके, तो जो आप देख सकते हैं, आपने मेरे पिछले वीडियोस अगर कवर अप किए हैं, देखे हैं, तो आपको पता चलेगा कि स्विमिंग पूल का काम बहुत तेज़ी से चल रहा था। अभी सिविल वर्क फिर से रुका हुआ है, बट स्टिल इतना हो चुका है कि आपका जो स्विमिंग पूल है वो पूरा कम्प्लीट हो गया है। तो लेट्स होप कि इस समर पर हमारा स्विमिंग पूल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइज, ये है आपका चेंज रूम, जिसका कंस्ट्रक्शन एंड थोड़ा साफ सफाई एंड सब कुछ आई थिंक स्टार्ट हो चुका है। आई थिंक इसमें बस थोड़ा बोड़ा रह गया होगा। तो ये है आपके PQOR टावर, एंड अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इधर की तरफ। तो गाइज, अभी हम उधर से व्यू ले रहे थे, ये व्यू हमारा इधर से है, तो आप देख पा रहे हैं। और इसके पीछे जो है वो आपका टेनिस कोर्ट है, एंड इधर भी आपका ये बास्केटबॉल कंप्लीट होने के लिए अभी रेडी हो रहा है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इधर से यहाँ थोड़ा सा क्लोज कर दिया गया ताकि इसको यूज़ ना किया जाए। और यहाँ पर जो आपका फुटपाथ है उसके कंस्ट्रक्शन के लिए भी वर्क चल रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली इस ईयर हमें पूरा 14th एवेन्यू कम्प्लीट होते हुए दिखने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं गेट की तरफ, के जो हमारा गेट है जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा होती थी उस वो कहाँ तक पहुँचा। सो गाइज, थोड़ा सा क्लोज लुक ले लेते हैं चेंज रूम की, कि किस तरह से है। यहाँ पे बहुत सारा काम हो चुका है, जो आप देख पाएंगे वीडियो में भी आपको दिख रहा होगा कि इस तरह से ये सेपरेशन करके ये बन चुके हैं गेट वगैरह प्रॉपर, सब टाइलिंग वाइलिंग। तो आई थिंक अभी जो है थोड़ा सा ये आपका प्लम्बिंग का काम होने रह गया है। एंड थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम, यहाँ से आपका एंट्री है। ओके, मेल फीमेल करके ये एंट्री होने वाला है, उसकी वजह से दो सेपरेटेड पोर्शन बनाए गए हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये ब्राउन वाला अच्छा लग रहा है या अदर वाइट वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सो गाइज, ये जो आपका एरिया है ये किड्स एरिया है, फ्यूचर किड्स एरिया जो बनेगा। और हम खड़े हैं यहाँ पे PQ टावर, एंड ये हमारा O टावर है, और वो एम्फी थिएटर है वो भी कंप्लीट हो चुका है, अगर जिनको भी कंस्ट्रक्शन अपडेट में लास्ट नहीं दिखा है। तो ये हम खड़े हैं एन टावर के जस्ट साइड में ही, जहाँ पे किड्स एरिया बन रहा है हमारा फ्यूचर का। एंड देन ये वाला है यहाँ पे मेन एंट्रेंस वाला गेट है, जो कि थोड़ा हमें थोड़ा सा और राइट में जाके दिखता है। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि एग्ज़िट के लिए भी आपको यहाँ साइन दिखने लग गए हैं, और जो हमारा एग्ज़िट गेट है वो कुछ इस तरह से है, और फंक्शनैलिटी चालू हो चुकी है, ठीक है। और हमारा O टावर में भी काफ़ी अच्छे पोजीशन हो चुके हैं, तो अब ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि आपका 80% जो है कंस्ट्रक्शन वर्क जो है कंप्लीट हो चुका है सोसाइटीज़ का। कुछ अमेनिटीज़ की बस बात रह गई है, एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कार जो है ये ओपन पार्किंग में आपकी खड़ी हैं। एंड ये हमारा जो है यहाँ से एग्ज़िट गेट का लुक है। अभी आप देख पा रहे हैं ये एग्ज़िट गेट से ही यहाँ से ये गाड़ी निकलेगी, तो ये भी आने वाला है। और बहुत ज़्यादा क्लियर आज व्यू हम ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा बारिश हो गई है, तो थोड़ा फॉगी सा भी होने लग गया आज। एंड ये देखिए, तो अब हमारा जो पहले था गेट, जिसमें एंट्रेंस और एग्जिट दोनों एक साथ होता था, और वहाँ पे बैरिगेट्स लगे हुए थे सेंटर में, तो वो सब भी एकदम क्लियर हो गया है। और इवनिंग में ट्रैफिक जैम भी बहुत कम होने लग गया इसकी वजह से। तो ये है हमारा वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ गाइज लाइक करें, शेयर करें मेरे वीडियो को। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, एंड थैंक यू, बाय बाय।